हुई, उस बंडल में कितने रुपए थे ये उन्होंने बताया कि मुझे नहीं पता, वो उस रामफल नाम के व्यक्ति को पता होगा, मुझे नहीं पता कितने। जब उनका नाम आया तो पुलिस ने उन लोगों को बुलाया पूछने के लिए कि भाई क्या मामला है। ये 3 तारीख की घटना है, 3 को पैसे दिए, 4 को कॉलेज में फंक्शन था, तो वो लोग स्टेज के ऊपर जो हिस्ट्री सीटर थे, 2 भैरोड़ थाने के हिस्ट्री सीटर थे, वो लोग स्टेज के ऊपर बैठे थे और उनसे राजाराम और एक हितेंद्र, ये दोनों लोग उनके गले मिल रहे थे, प्यार से मिल रहे थे, बातें कर रहे थे, फिर स्टेज पे उनको बिठा रहे थे, DYSP से भी मिल रहे थे और उनमें से एक अपराधी 15 दिन पहले ही जेल से छूटा था। जब ये सारी चीजें आई और वो फरार हो गए तो पुलिस ने जानकारी जुटाने के लिए कि भी पूछताछ करें उस रोमी नाम के शूटर से पूछा तो उसने कहा कहाँ छुप सकते हैं बाकी अपराधी, तो उसने कहा राजाराम और हितेंद्र प्रॉपर्टी के दलाल हैं, वो दलाल उसकी कहीं अरेंजमेंट कर सकते हैं क्योंकि जमीन उमीनों पे कब्जे कुब्जे करवाने में वो मदद हमारी लेते रहते हैं, हमें पैसे वगैरह देते हैं। इस पर पुलिस ने निशांत जो बंडल पैसे का दे के आया था उसको और राजाराम और हितेंद्र इनको बुलाया। एक जैतपुरा मोहल्ले का लड़का था जिस पर मुखबिर से सूचना थी पुलिस को कि जो शूटर था एक जो फरार है वो रात को उसके घर पे उस दिन रुका था। इस पर पुलिस ने उस निम्बू नाम का कोई था सैनी, उस लड़के को बुलाया, इन चारों को बुलाया पूछताछ के लिए जानने के लिए। इतने में ही हंगामा, कुछ लोगों ने बालकनाथ के समर्थक थे जो भी तथाकथित जो अपने आप को नेता बताते हैं वो हंगामा करने लगे कि इनको छोड़ो, तो DYSP बहरोड़ ने पुलिस अधिकारियों ने कहा कि पूछताछ में इनका कहीं नाम कनेक्शन आया है, हम सिर्फ पूछताछ कर रहे हैं, अगर ये निर्दोष होंगे तो हम इनको फ्री कर देंगे, आप निश्चिंत रहिए। इस पे उन्होंने हंगामा कर दिया, धमकियां दी और कि सांसद बालकनाथ जी आ रहे हैं वो कह रहे हैं तो छोड़ दो, नहीं मैं खुद आ रहा हूँ। और फिर सांसद आए और जिस तरह का उनका व्यवहार था वो आप सब लोगों को मालूम है, कैसा व्यवहार था, कितना अमर्यादित था, किस ढंग से उन्होंने पुलिस को डिमोरलाइज करने का काम किया। और हैरानी की बात है, जो जनता में रोष है वो इस बात का है कि आज तक भी विपक्ष में वो अपने आप को विपक्ष का बताते हैं बालकनाथ जी, और दूसरे उनके कोई भी चुनाव लड़ना चाहते हैं एक भी व्यक्ति ने इस फायरिंग की घटना की निंदा नहीं की। सांसद आए जब उनके गुर्गे पकड़े तो इतनी बुरी तरह बौखलाए हुए आए, लेकिन सांसद ने जिन महिलाओं को गोली लगी उन एक भी महिला से मिलना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा और इस ढंग से बौखला रहे थे उससे साफ लग रहा था। और अब तो ये स्पष्ट हो गया है कि बालकनाथ को डर था कि 120 बी में पुलिस बालकनाथ को मुलजिम बनाएगी और वो सलाखों के पीछे जाएगा, क्योंकि जो गुर्गे पकड़े थे वो सारा राज उगल थे, इसलिए पुलिस को उन्होंने पूछताछ नहीं करने दी और दबाव बना दिया। और उस निशांत नाम के व्यक्ति ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि जो पैसे दिए थे वो पैसे बालकनाथ ने भेजे थे। मानता हूँ इससे आपने हमारे हिंदू धर्म को कलंकित किया है। कौनसी पुलिस है, मैं मीडिया के सामने बैठा हूँ, मंदबुद्धि बालकनाथ लाना कौन सी पुलिस है, कौन सी बहरोड विधायक को अरेस्ट करिए, लेके तो आ मंदबुद्धि। कभी कहता न्यायालय से मैं ये करवा दूंगा, नाक रगड़वा दूंगा, न्यायालय तेरी बाप की गुलाम है क्या? न्यायालय अपना काम करती है, न्यायालय बुलाएगी तो देश का प्रधानमंत्री भी जाएगा, कोई हम गली के गुंडे नहीं है जो न्यायालय हमें बुलाए हम नहीं जाएंगे, हम सम्मान करते हैं कानून का, हम जाएंगे बताएंगे। का गुरु फरार हो गया था, इसका फूफा फरार हो गया था, तो इसको लगता है जैसे होते हैं अब पुलिस से भागते हूँ। जब मैं कह रहा हूँ अगर कोई केस किया है तो न्यायालय मुझे बुलाएगा, तो न्यायालय बुलाएगा तो मैं जाऊँगा, मैं कोई गली का गुंडा हूँ क्या, मैं कह दूँ मैं नहीं जाऊँगा न्यायालय? पर बालकनाथ तू कौन होता है बुलाने वाला? वो तो बुलाया पूछताछ के लिए, कितने घंटे बिठाया, सोनिया गांधी को बुलाया, नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी को पूछताछ के लिए बुलाया, अमित शाह जी गृहमंत्री हैं उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया, अशोक गहलोत को भी पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ का मतलब ये नहीं होता कि उसको गिरफ्तार करे ही छोड़े नहीं, पूछताछ अगर दोषी होता है, कितनी बार आप देखते हो चाहे कितनी बार पुलिस बुलाती है और CBI बुलाती है और फिर CBI 10 बार बुलाती है और फिर उसको 11वीं बार अरेस्ट करती है। इसलिए जीतता हूँ चुनाव, बालकनाथ निर्दलीय चुनाव लड़ ले उसकी औकात पता लग जाएगी।
मोदी जी जब उसको पार्टी से बाहर निकालेंगे बालकनाथ को, तो वो कह सकता है बलजीत यादव के सारे बाहर निकाल दिए मुझे। मुझे लग रहा है इसके लक्षण कि मोदी जी ऐसे आदमी को पार्टी के से बाहर निकालेंगे बहुत जल्दी, और इसकी खुद को इसको कोई टिकट टकट नहीं मिलेगी। ये रुको ना, मैं कह रहा हूँ आप पत्रकार हो, आप बालकनाथ सांसद हो, कोई पाकिस्तान में थोड़ी है, यहीं है, फोन लगाओ और उसे पूछो कि निशांत नाम का व्यक्ति आपका आदमी है कि नहीं है, ये पैसे देने गया था कि नहीं गया था, इसकी लोकेशन है कि नहीं है, जो गाड़ी लेके गया वो आपकी गाड़ी है कि नहीं है, आपका कार्यालय प्रभारी गया कि नहीं गया, ये राजाराम आपका आदमी है कि नहीं है, ये हितेंद्र आपका आदमी है कि नहीं है, ये बदमाश आपके है कि नहीं है, 3 महीने पहले इनके घर पर खाना खा के आए हो कि नहीं आए हो, इन बदमाशों से कितनी बार आपने बात की, कॉल डिटेल मीडिया के सामने रख दे बालकनाथ, दूध का दूध पानी का पानी माफ भी कर देंगे।